हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत किया जाता है। मेरे प्रियो, हम एक विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा है, जो डाली मुझ में नहीं फलती है तो मैं उसे काट डालता हूँ, और जो फलती है उसे मैं छांटता हूँ ताकि और फले। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज के इस समय में मसीही भाई बहन वही संसारी काम कर रहे हैं, वही फिल्मी गाने सुनते हैं, संसारी काम करते हैं। आज मसीही संसार से मित्रता करते हैं, संसार को प्रिय जानते हैं। मेरे छोटी छोटी बातों पर मसीही गुस्सा हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अंत के दिनों में याद रखना, आज मसीहत सिर्फ लगातार बिगड़ती चली जा रही है। आज मसीही सिर्फ नाम के मसीही रह गए हैं। वे कहने को तो कह देते हैं कि मैं तैयार हूँ भैया, मैं तैयार हूँ, मगर उनके दिल और दिमाग में झांक कर देखो, वही सारी गंदगी, वही सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है। आज मसीही छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं और अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिंदगी अपनी छोटी छोटी बातों पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। मेरे प्रियो, मैं बोल रहा हूँ, तैयारी कर लो अपनी, तैयार हो जाओ। हम सभी को तैयार रहने की आवश्यकता है, तैयारी बनाना है। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मैं एक बात बता रहा हूँ आपसे, एक धनवान था और वह धनवान यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगा, हे गुरु, मैं कौन सा काम करूं जिससे अनंत जीवन पाऊं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उससे कहा, भलाई के विषय में क्यों पूछता है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। आज्ञाएं कौन सी है मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने कहा, या की हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है। मेरे प्रियो, आज के समय में, अंत के दिनों में, आज मसीह कहने तो को कह देते हैं कि मैं तैयार हूँ, मैं यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, मगर उनके चाल चलन से ऐसा लगता है कि वे तैयार नहीं हैं। वही गंदी बात, वही गर्लफ्रेंड, वही बॉयफ्रेंड, वही सेक्स वीडियो देखते हैं। आज मसीही लगातार बिगड़ती चली जा रही है। शैतान नहीं चाहता है कि आप स्वर्ग जाएं। शैतान का एक ही मकसद रहता है मेरे प्रियो, कि अपने साथ लाखों करोड़ों आत्माओं, सैकड़ों आत्माओं को नर्क मिले जाए। मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान पहले ही से परमेश्वर की रचना से प्रसन्न नहीं था। मेरे प्रियो, शैतान बहुत ही चालाक है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, पौलुस ने कहा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, शैतान को वचन से हरा सको। आज हमारे मसीह बहन वचन तो पढ़ते ही नहीं है, उन्हें वचन मालूम होता ही नहीं है, वे सांसारिक जीवन बिताते हैं, वही गर्लफ्रेंड, वही बॉयफ्रेंड। यीशु मसीह ने कहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने समय दिया है, जो परमेश्वर ने अवसर दिया है, मेरे प्रियो, इस समय का पूरा इस्तेमाल करो, वरना परमेश्वर एक हिसाब का बदला, इस हिसाब का बदला परमेश्वर आपसे लेगा, क्योंकि आप इस समय को कीमती नहीं समझ रहे हैं। इस समय को आप व्यर्थ गवा रहे हैं, फालतू चीजों में, व्यर्थ चीजों में गवा रहे हैं, पैसों के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में, गलत कामों में, घिनौने कामों में, सांसारिक कामों में आज मसीह जूझ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा है, तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी में आ जाऊंगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, जब मैं आऊंगा तो मैं उसी को लेकर जाऊंगा जो पवित्र होगा, जो इस संसार से निष्कलंक होगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, उस रात दो मनुष्य घाट पर सोते होंगे, एक को बदल कर उठा लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। उस दिन दो मनुष्य खेतों में काम काज कर रहे होंगे, जो तैयार होगा, जो अपनी तैयारी बना के रखा होगा, वह उठा लिया जाएगा, और दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। मेरे प्रियो, हम सभी को छोड़ने वालों में से ना बने, हम सभी को तैयार रहने की आवश्यकताएं हैं, तैयार होने की आवश्यकताएं हैं। यीशु मसीह ने कहा है, यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। मेरे प्रियो, आज मसीही पापों के नींद में सोए हुए हैं, खोए हुए हैं, वे तैयारी करने के बजाय मस्ती में डूबे हुए हैं। वे तैयारी नहीं,
वही व्यभिचार वही गलत कार्य कर रहे हैं। याद रखो मेरे प्रियो, थोमा भालों से बेदा गया था, पतरस उल्टा लटकाया गया था, यूहन्ना तेल में तला गया था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पवित्र है और यीशु मसीह उसी को लेकर जाएगा जो पवित्र होगा, जो संसार से निष्कलंक होगा, जो धर्मी होगा, जो पवित्र होगा। मगर आज के समय में मसीही भाई बहन अपनी जवानी को भ्रष्ट कर रहे हैं और वे भी चार जैसे महा को बड़े मजे से कर रहे हैं। वे तैयारी नहीं बना रहे हैं मेरे प्रियो, वे तैयार नहीं हैं। हम सभी को तैयार रहने की आवश्यकताएं हैं मेरे प्रियो। यीशु मसीह द्वार पर ही खड़े हुए हैं। जागो, मैं फिर से कह रहा हूँ, जागो, प्रभु यीशु आने वाले हैं मेरे प्रियो। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर करें। आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन।